सर वो बाहर हमें टूटा हुआ ताला देखा और दरवाजा अंदर से बंद था, तो अंदर से बंद होने के कारण हमें शक हो गया कि अंदर से कैसे बंद है, तो उसके दौरान हमने देखा अंदर से बंद है तो जाएं कैसे, तो फिर पीछे से हमें लग गया कि अंदर से बंद करके फिर छत के रास्ते से ही भागे, तो पीछे वाले घर से गए हम, घर से ऊपर आके देखा तो छत का गेट खुला था, छत का गेट खुला था, तो फिर उससे नीचे आके अंदर का गेट खुला, फिर अंदर आए तो देखा सारा चोरी। आरपीएससी कॉलोनी वैशाली नगर में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, 50,000 की नकदी सहित चांदी के बर्तन व ज्वेलरी चोरी। कृष्णगंज थाना अंतर्गत आरपीएससी कॉलोनी वैशाली नगर में रहने वाले अरुण गर्ग पुत्र अनिल गर्ग के सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर घर में रखी नकदी व चांदी के जेवरात चुरा लिए और फरार हो गए। अरुण गर्ग ने बताया कि घर के सभी लोग 5 फरवरी को शादी में रेवाड़ी चले गए थे। 7 फरवरी की रात को जब लौट के आए तो घर के बाहर लगा ताला टूटा हुआ था, लेकिन उसके बाद अंदर कमरों का दरवाजा नहीं खुला, जिस पर उन्हें चोरी का शक हुआ। इसके बाद वह पीछे के मकान से छत पर गए और छत के रास्ते से अंदर पहुंचे तो देखा कि घर का सभी सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी में अलग अलग जगह रखे लगभग 50,000 रुपये की नकदी व चांदी के बर्तन व ज्वेलरी चोरी हो चुके थे। इस पर अरुण गर्ग और उनके पिता अनिल गर्ग ने कृष्णगंज थाने में चोरी की सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जाँच शुरू कर दी है। अरुण ने बताया कि लगभग 1,00,000 रुपये का माल चोरी हुआ है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कृष्णगंज थाना क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही हैं। सर हम कोई वैवाहिक कार्यक्रम के हिसाब से बाहर गए थे रेवाड़ी, तो वो सुबह 5 तारीख को गए थे और शाम को आए, 7 तारीख को रात को आए, तो उस दौरान ही आके देखा तो यहाँ पे ताले टूटे मिले घर के। जी, घर पे आए थे क्या देखा? सर वो बाहर हमें टूटा हुआ ताला देखा और दरवाजा अंदर से बंद था, तो अंदर से बंद होने के कारण हमें शक हो गया कि अंदर से कैसे बंद है ये, तो उसके दौरान हमने देखा अंदर से बंद है तो जाएं कैसे, तो फिर पीछे से हमें लग गया कि अंदर से बंद करके फिर छत के रास्ते से ही भागे, तो पीछे वाले घर से गए हम, घर से ऊपर आके देखा तो छत का गेट खुला था, छत का गेट खुला था, तो फिर उससे नीचे आके अंदर का गेट खुला, फिर अंदर आए तो देखा सारा चोरी हो रखा था। भैया क्या क्या सामान था? सर 50,000 की तो सर नकद कैश था, 2-3 जगह रखा हुआ था, और 50,000 तो कैश था, और वो क्या कहते हैं अपने चांदी की ज्वेलरी थी उसमें, चांदी के जैसे ये गिलास हुए, कटोरी हुए, बिछुए और सिक्के वगैरह, लोटे, ये गोल्ड नहीं था सर, गोल्ड नहीं रखा हुआ था, चांदी का था। रिपोर्ट सर दर्ज करा दी है हमने कृष्णगंज थाने में, दर्ज करा दी है सर। सर 1,00,000 रुपए की चोरी हुई है सर।